सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, बाल बाल बचे एबीपी न्यूज संवाददाता, जान पर खेल कर रिपोर्टिंग। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर किया है एक बड़ा हमला। हमले के बाद मौत बनकर आए आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। और अब देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने कैसे जान पर खेलकर की है इस आतंकी हमले की रिपोर्टिंग। इस वीडियो में कैद है एक खौफनाक पल की कहानी। बस यूं समझ लीजिए कि मौत एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी को छू कर निकल गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर एक खौफनाक आतंकी हमले के बाद एसएसपी इम्तियाज बरेब मीडिया को हमले की जानकारी दे रहे थे और उसी वक्त एक जवान से गलती से मिस फायर हो गया। गोली जैसे ही चली एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी के साथ ही श्रीनगर के एसएसपी इम्तियाज बरेब भी झुक गए। दोनों खुशकिस्मत थे और इसीलिए बाल बाल बच गए। एक बार फिर से देखिए कैसे मौत एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी को छू कर निकल गई। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी के मुताबिक पंथा चौक पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद वो मौके पर रिपोर्टिंग के लिए गए थे। हमले के बारे में जब वो एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज बरेब से पूरी जानकारी ले रहे थे उसी वक्त मोर्चा संभाले एक जवान से गलती से गोली चल गई। गोली चलने के बाद अगर वो नहीं झुके होते तो कुछ भी हो सकता था। मिस फायर की वजह से पास ही खड़े दो सुरक्षा कर्मी घायल हो गए और अगर सूझबूझ दिखाते हुए वो नहीं झुकते तो गोली उन्हें भी लग सकती थी। और अब से थोड़ी देर पहले हुए इस हादसे की मैं जिसमें दो सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए और एसएसपी श्रीनगर बालवा बचे, हम भी उस समय वहीं पर मौजूद थे। लेकिन अब इसी से बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तनाव यहाँ पे है। और हमला जो है वो सीआरपीएफ को निशाना बना के किया गया था। इसमें एक अधिकारी की मृत्यु हो गई जबकि दो जख्मी। आप देखा आपने कैसे श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने जान पर खेलकर रिपोर्टिंग की। और अब हम आपको सुनाते हैं उस आतंकी हमले की कहानी जिसने पूरे श्रीनगर में फैला दी है सनसनी। ये वो गाड़ी है जिसको निशाना बनाकर फायरिंग की गई और यहाँ पे देखिए कितनी गोलियों के जो लगातार निशान हैं, पूरे इसको साइड से गोलियां मारी गई और जो सामने बैठे थे ड्राइवर और एक और व्यक्ति वो जख्मी हुए हैं। उनको बुरी तरह गोलियां दोनों लगी हैं। गाड़ी के नीचे भी अगर देख सके कैमरामैन को बोलूँगा वो ब्लड हैं क्योंकि 29 बटालियन सीआरपीएफ की ये गाड़ी जो थी आरोपी का हिस्सा थी और यहाँ पे इसको निशाना बनाकर फायर किया गया। और यहाँ से जो हमलावर हैं, जो कहा जा रहा है कि जो सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है उसकी तरफ वो भागे थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में एक अधिकारी की मौत हो गई जबकि दो जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सुरक्षा कर्मी अब उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जो कि इस घातक हमले के बाद आसपास के इलाके में ही कहीं छुपे हुए हैं। इस प्रकार के कायर जो हरकत है इससे किसी भी फोर्स की मनोबल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि हमारा मनोबल और मजबूत होगा और इसमें जो भी इसमें मिले हुए हैं उनको ढूंढ निकाला जाएगा और उनके खिलाफ उसी प्रकार का सही रिस्पांस होगी हमारी। सुरक्षा कर्मियों का दावा है कि आतंकी उनकी कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं। पिछले एक महीने में कई खतरनाक आतंकियों को मार गिराया गया है।
ऐसे में बदला लेने के लिए दूसरे आतंकी अब घात लगाकर कायराना पार कर रहे हैं। घाटी में छुपे ऐसे आतंकियों को मार गिराना सेना के साथ ही दूसरे सुरक्षा कर्मियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। सनसनी के लिए श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।